नहीं गलती आप कितने दिन से कितने दिन का बैठा था? डेढ़ दिन के रखे हैं मेरे घर। तो आपने कब स्टार्ट किया? ये 19 साल पहले शुरू किया। बचपन में? हाँ बचपन में ऑब्वियसली। मॉम ने मन्नत मांगी थी कि घर खरीदना था, तो मन्नत पूरी हुई, तो उन्होंने 3 साल रखा। फिर उसके बाद में इतना अच्छा लगा और भगवान इतनी प्रॉस्पेरिटी लाए और इतनी खुशियाँ लाए, फैमिली आती है, फ्रेंड्स आती है, आते हैं, सब मिलने आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर रखते गए, फिर 19 साल कैसे हो गए पता भी नहीं चला। तुम सेलिब्रेशन क्या करते हो? दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, मिलते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, घर घरेलू सब रखते हैं और गाना गाते हैं। जिनको डांस करना है उन गानों पर डांस करते हैं, क्योंकि फैमिली पूरी आर्टिस्टों से भरी पड़ी है और कोई गाता है, कोई किसी को डांस करना पसंद है, तो मिल के खूब महफिल जमाते हैं शाम को और मज़े करते हैं। मैम सेलिब्रिटी का, सेलिब्रिटी में आपके घर पर भोजन आते हैं सुना है, तो गोविंदा जी भी आते हैं? मेरे मामा हैं, वो ज़रूर आते हैं, वो आते हैं, फिर हमें भी उनके भी घर पर रखते हैं। तो भी उनके घर पर भी पूजा आती है मेरी भी, कब जाने वाले? हमारा क्या होता है ना, क्योंकि हम सबके घर पे गणपति होते हैं तो हमारे टाइमिंग्स फिक्स नहीं होते, लेकिन हम जाते ज़रूर हैं। टाइमिंग का कुछ भरोसा नहीं, बट हम जाएंगे ज़रूर। तो इस बार क्या खास करने वाले गणपति जी को, क्या क्या? इस बार हमने सब ग्रीन डेकोरेशन की है, हर साल रेड एंड गोल्ड होती है, तो वे गोइंग एको फ्रेंडली, यू नो, एनवायरमेंट का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो सब गो ग्रीन, ग्रीन गणेश। इस बार गणपति जी खाने में आप क्या क्या? जो हमेशा बनता है, अभी की बहुत चीज़ें बनी तो सारी लिस्ट तो मैं बता नहीं सकती, बट हाँ मोदक ज़रूर बनता है, खीर बनती है, पूरी बनती है, सब्जियाँ जो भगवान के बगैर, आई थिंक बोलते हैं कि बगैर गार्लिक एंड अदरक, गार्लिक और प्याज के बगैर खाना बनता है, तो वो सब गणपति जी मोदक पसंद है। तो मोदक तो घर पर बनता है और सब घर पर ही बनता है खाना, बाहर से कुछ नहीं आता है। डेकोरेशन भी सब घर पे करते हैं खुद के हाथों से। मैम डेकोरेशन बहुत अच्छा किया आपने, तो आपने खुद ही किया मैम? हाँ मैंने खुद किया है और मम्मी ने भी करवाया है सबसे, और हमारे 2-4 साथ में हेल्पर्स थे, सब ने मिल के किया। मैम आपके आने वाले क्या क्या बोलते हैं? आने वाले प्रोजेक्ट्स में 2 फिल्में मैंने अभी की हैं, जिस एक का नाम था धूमकेतु और एक नाम था गुड़गांव, वो जल्दी रिलीज हो जाएंगी और बहुत दर्शकों को पसंद आए। तो टीवी में क्या करो? टीवी में फिलहाल मैंने कुछ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी और खूब मेहनत करूँगी और यही कोशिश करूँगी कि आपकी जितनी उम्मीदें हैं उन पर खरी उतरूँ। और हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को, गणपति बाप्पा मोरिया। किसका? बॉलीवुड ठीक। इंग्लिश में गई हिंदी? नमस्कार, मेरा नाम है और आप देखते रहिए बॉलीवुड अड्डा। थैंक्स मैम। थैंक यू। प्लीज दरवाजा बंद कर दो किचन का। वो विजुअल ले रहे हैं। हाँ तो मैं नॉर्मल।
सिराज नहीं आएगा, आएंगे वो बोले आ रहे हैं, बट वो आज का दिखाने के लिए उनके पास 5 बजे तक होना है। मैंने पूरा अपने से कर लेते हैं, ठीक है? थैंक यू। ओके मैम, गणपति त्यौहार मना रहे, किस टाइप का त्यौहार बताइए मुझे। किस टाइप का मतलब, गणपति एक महाराष्ट्रीयन त्यौहार है और लोकमान्य तिलक जी ने शुरू किया था और उसके बाद इतना अच्छा होता गया महाराष्ट्र का, घर घर में गणपति आते गए और खुशहाली आती गई और निर्विघ्न करते रहे बापा। और मुंबई इतनी मशहूर ही है, इधर बॉलीवुड है, हॉलीवुड की तरह है, लोग इतने खुशहाल हैं और पूरी इंडिया से लोग आके यहाँ बस जाते हैं, तो मुंबई का क्रेज है ये, तो गणपति बप्पा मौर्या। ये त्यौहार मनाया, इसलिए मनाना शुरू किया था ताकि लोग मिले जुले। एक्चुअली वो फ्रीडम फाइटर थे तो उन्होंने उस हिसाब से सोच के किया था, लेकिन इसका जो मेन कोर है कि लोग मिले जुले, हैप्पीनेस काटते हैं और डिस्कशन होती हैं, सो इट्स अ गुड हैप्पी एनवायरनमेंट। बॉम्बे में सब रोड पे गणपति दिखते हैं, हर दूसरे घर में गणपति होते हैं, हर 10 फीट में गणपति का पंडाल होता है, खुशहाली खुशहाली। तो ये त्यौहार अब कब से मना रहे हैं? 19 साल से मेरे घर में पापा आ रहे हैं और अगले साल 20 साल के हो जाएंगे, टीनेजर नहीं रहेंगे वो, तो हम काफ़ी खुश हैं कि निर्विघ्न और बगैर किसी ब्रेक के 19 साल से हम कर रहे हैं, बस कृपा बनी रहे हमको। मैम सेलिब्रेशन भी करते हैं? मैम हाँ, सेलिब्रेशन होती है शाम को, पूरा घर परिवार, सारे रिश्तेदार दोस्त घर पे आते हैं और गाने गाते हैं, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाहर निकलते हैं और बहुत मज़े होते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। मैम खाने की, और खाने में उपज का क्या क्या? खाने में तो मतलब बहुत खाना बनता है, कुछ 10-12 टाइप की मिठाइयाँ ही होती हैं, तो कितनी मैं आपको लिस्ट दूँ खाने की, बट लेकिन हाँ, गणपति बापा का फेवरेट होता है मोदक, मोदक घर पे बनता है, जितना खाना होता है सब घर पे बनता है। हम कभी डेकोरेशन पूरा आपने अच्छा किया है? हाँ थैंक यू, डेकोरेशन हमने खुद किया है, हम कभी बाहर से डेकोरेटर को, प्रोफेशनल को नहीं बुलाते, हम सब अपने हाथ से करने में विश्वास रखते हैं, वो सिंपल फैमिली अफेयर होता है, तो सब सिंपली हम करते हैं। आपका बहुत हेल्प किया? मम्मी तो सर पे खड़ी रहकर सब करवाती हैं और हम सब मम्मी के मुलाजिम हैं जो करते हैं डेकोरेशन। ऐसा है कि मार्केटिंग करने का काम मेरा है और ये सब बच्चे, मेरे बच्चे और कई बच्चे, सब बच्चे मिलके कुछ 10-12 लोग मिलके गणपति बापा की सेवा करते हैं। तो मैम इस बार अलग से क्या खास होएगा इस बार? इस बार सब ग्रीन है मेरे घर पे और प्लांट्स से ही डेकोरेशन किया है हमने और ग्रीन डेकोरेशन रखा है, हर साल हम रेड एंड गोल्ड का थीम रखते हैं, ऐसे अलग कुछ नहीं है, उतना ही एंथुजियाज़म है, लेकिन हाँ बस खुद के लिए खुशी मनाने के लिए इस बार हमने कुछ ग्रीन किया है। बट वी वॉन्ट ग्रीन, एको फ्रेंडली गणपति सबको रखने चाहिए क्योंकि नेचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हमें होना चाहिए। दर्शकों को क्या मैसेज देंगे आप? दर्शकों को यही कहूँगी कि स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी और एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, दूसरों को तकलीफ ना पहुँचाएँ, जिससे एनिमल्स को, डॉग्स को ज़्यादा साउंड लेवल से तकलीफ होती है, ग्रीन गणेशा रखें, गो एको फ्रेंडली, सबका ध्यान रखें और ताकि सब खुश और हम भी खुश। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं गणपति बापा के इस त्यौहार में सभी आप लोगों से नम्र निवेदन करती हूँ कि वृद्धों की सेवा करें और पौधे लगाएं, ये मेरा ब्यूटीफुल एस्ट्रोलॉजी का नारा है, यही रहे हमेशा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले, मैंने अभी 2 फिल्मों की शूटिंग की थी, एक का नाम है धूमकेतु और एक का नाम है गुड़गांव, और मैं जल्दी वो रिलीज़ हो जाए और आई होप दर्शकों को पसंद आए दोनों फिल्म। थैंक यू। हाँ नमस्कार, मैं रागिनी खन्ना, मैं कामिनी खन्ना और हम दोनों की तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएँ। Stay blessed, stay safe and stay happy. Ganpati Bappa Moriya. Ganpati Bappa Moriya. Ganpati Bappa Moriya. Okay, nice. Thank you. ठीक है? मेरे प्यार बहुत सारे लोगों ने मुझे सुना दिया। कैसे कर रहे हो? अबे ऐसा प्रे करते करते। हाँ। ठीक है? हाँ। ठीक है।
बस शुक्रिया।